प्रश्न नंबर दो है, एक्सरसाइज प्रश्नावली वन है आपका। इसमें कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इसी को हमें सॉल्व करना है, ये दिखाना है, इसमें मानना पड़ेगा। माना ये कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, और इसमें बी भी मानना पड़ेगा आपको, बी को, और बी बराबर 6 है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है a=2, मैंने इसमें लिखना पड़ेगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से, एल्गोरिथम से, यानी a=6q+r जो दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा r=0 से, साधारण माने तरीके से लिख रहे हैं, 5 तक ये संख्या है। तो अब सॉल्यूशन माने जो इक्लिप मेथड से हम ले रहे हैं, यानी ये r की जगह पे प्लेस करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतने नंबर हम इसमें शो करेंगे, यानी 6q+, अब r क्या लिखेंगे, 0, 6q+0 अगर जोड़ते हैं तो 6q आएगा, तो ये लिखेंगे जो सम है, जो सम है मैंने इसका मतलब कि 2 से विभाजित है। फिर a=6q+1, ये आपका विषम है, जो विषम है, बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं। अब a=6q+2, ये सम है। फिर a=6q+3, ये भी लिखेंगे विषम है। a=6q+4, यह भी सम है। फिर a=6q+5, मान ये नंबर हम डिनोट करेंगे इसमें, ये क्या है, विषम है। अब इसे हम देख रहे हैं, देखिए मन जो सम नंबर है, जैसे 0, 2, 4 ये रख रहे हैं, तो क्या है, वहां पे सम हो जा रहा है, मन वो विभाजित 2 से हो जा रहा है। अब देखिए इसके बाद आगे हम बता रहे हैं, इसमें तो देखेंगे कि a=2, जैसे कि मैंने a=6q+0, 6q+2, 6q+4,
सम है। और फिर निकला हुआ है एज इक्वल टू 6³ + 1 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, और एज इक्वल टू 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 विषम है। इसलिए आपका निकला a इक्वल टू या जो क्वेश्चन ने दिया है 6³ + 6³ + इसके आगे जो देखना है, जैसे कि ये तो हम सॉल्यूशन में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये सब आपको विषम सिद्ध करना है, लेकिन 6³ माने आंसर में लिखेंगे क्या, इसलिए 6³ + 1 6³ + आपको दिया है, हाँ 6³ + 3 6³ + 5 हाँ विषम संख्या है, विषम संख्याएं हैं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रूव PROV। कि 6a + 1 6a + 3 6³ + 3 5 मतलब 6³ + 5 विषम संख्याएं हैं, आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले मान लीजिए कि माना संख्या ए जो है कोई धनात्मक संख्या है, फिर उसके नीचे आइए और ये भी मानना पड़ेगा कि 6x जो है मतलब b = 6 जो है आपको दिया हुआ है, माने आप भी मानेंगे 6 b = 6 मान लीजिए, और ये एक जो है पॉजिटिव माने धनात्मक संख्या है, इसके लिए a = 6³ + 0 6³ मान इस तरह से 5 तक मान भरेंगे, 0 से लेकर के 5 तक मान भरेंगे a के वैल्यू में, जो 6³ जैसे कि यहाँ दे रहा है 6³ r, इसमें जो है आप मान भर के कहाँ से भरेंगे 0 से 5 तक इसमें भरेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे निकला है 6³ + 0 यानी 6³ हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 6³ जब सम है तो उसे कट जाएगा, फिर a = 6³ + 1 जो विषम है इस रूप में भरेंगे यहाँ पे 0 से 5 तक, इस तरह से अप टू जो है माने a = 6³ + 5 तो ये विषम हो जाएगा, इसलिए जो हमारे संख्या निकल रहा है a = 6³ + 0 6³ + 2 6³ + 4 ये सम है, बाकी इसके जो शेष बचते हैं वो हमारे विषम हो जाएंगे। शेष बचने में a = 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 ये सारे हमारे विषम संख्या होंगे। इससे साबित ये होता है कि ये हमारे विषम संख्याएं हैं, ठीक है। a = 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 विषम संख्याएं होंगी। और हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो जो है CBSE बोर्ड यानी NCERT की बुक ही AP बोर्ड में लागू की है पिछले वर्ष से, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होगा कि आप ज़्यादा NCERT की बुक्स ही सॉल्व करें, इसके अलावा अगर सॉल्व करते हैं तो अपना जो है मेहनत बर्बाद करेंगे। इसलिए RS अग्रवाल को कम पढ़िए और RD शर्मा को कम पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको NCERT बुक ही पढ़ना होगा मैथ का। उसके बाद
अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यही जो है हमारे जो साफ करने का तीसरे का हल फल होगा। थैंक यू। हाँ, इसमें दिया है, देखिए सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या आपको दिया है 616 ना दिया है? हाँ, 616 दिया है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि एक पंक्ति में, एक पंक्ति में सदस्यों की संख्या दिया है 32। सदस्यों की संख्या बराबर 32 दिया है। और प्रश्न कह रहा है कि कितने माने एक पंक्ति में 32 सदस्य हो गए, तो कितने माने स्तंभों की संख्या जो है बनेगी, पंक्तियों की संख्या बनेगी। तो ये अधिकतम, अधिकतम का मतलब मसफा, 616 और क्या निकालेंगे, 32 का मसफा या एचसीएफ मसफा, ब्रैकेट में लिखते हैं एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड, जैसे कि यूक्लिड विभाजन अल्गोरिथम के साथ मेथड से हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये इससे आप दूसरे तरीके से भी लग सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे, उस तरह से नहीं हम कर रहे हैं, जो जायज मेथड है उससे हम कर रहे हैं। 616 बराबर 32, अब यहाँ पर रफ का सहारा लीजिए, 616, तो ये 32 से भाग करेंगे, वन टाइम 11 2 9 2 6, तीन 9 17 9 बार, 18 27 28, यहाँ वो 8 हुआ। अब देखिए, हाँ बुढ़े 19, अब प्लस जो रिमाइंडर मान शेष है 8, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे हुआ था यूक्लिड मेथड से। अब 32 बराबर इस रूप में शो करेंगे, 8 गुणे 4, 8 चौके 32 हो गया, तो आपके भाग कर लेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो +0, जहाँ 0 हो गया वहीं पे हमारा मसफ जो है निकल जाएगा। यानी मसफ क्या शो कर रहा है, मसापा आपका जो नंबर है ये 1 से ही डिवाइड हो रहा है, 8 चौके 32, तो ये 8 हो गया। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या माने, अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम संख्या बराबर 8, ये आंसर होगा। फिर से रिव्यू करिए, देखिए सदस्यों की संख्या अधिकतम जो दिया है कितना, 616, और एक पंक्ति में सदस्यों की संख्या को 32 रखा है, और पूछ रहा है माने कितने पंक्ति बनेंगे, कितने स्तंभ बनेंगे, वही मतलब है कि माने कितने लाइन जैसे बनाना है। तो 616 अधिकतम पूछ रहा है, 616 और 32 का माने मसप निकालेंगे, तो आपको स्तंभों की संख्या जो अधिकतम निकले, जहां भी अधिकतम पूछ दे वहां मसप पर निकालना है, बड़ा से बड़ा पूछ दे मसप पर निकालना है। तो 616 बराबर, जैसे कि भाग करके यहां देखिए, 616 में 32 का, तो 616 बराबर 32 गुणे 19 धन, ये आपका 8। अब फिर इस नंबर को हम यहाँ उतारेंगे, 32 बराबर, अब ये 8 यहाँ लिखेंगे, 8 कितने बार में भाग जा रहा है इसमें, 32 में, 8 चौके 32, 4 बार में जाएगा, और 0 माने कुछ नहीं बचा, वहीं पे हमारा 0 जहाँ आया, मसप की तैयारी वहां हो गया। यानी मसप बराबर जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है
आठ से भाग हो रहा है, तो 8 चौके 32 माने वही 8 जो है आपका क्या हुआ, माने मसप हो गया, यानी जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 आपका आंसर हो जाएगा। ये सब दोनों सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद